बात करें यहाँ से अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो देख रहे हैं सोयाबीन का नवंबर वायदा 5500 पर कारोबार कर रहा है, 5542 का हाई लगा चुका है। हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की जो कीमतें हैं ठीक ठाक लेवल्स पर कारोबार करती हुई नज़र आ रही हैं। दरअसल सोयाबीन को हमने नीचे में 5100 तक भी जाते हुए देखा है, 5000 के नीचे नहीं जा पाई थी, लेकिन 5100 तक भी हमने जाते हुए देखा है सोयाबीन की कीमतों को वायदा बाजार के अंदर। दरअसल सरकार के जो फैसले आए हैं और सरकार ने जो कदम उठाए हैं खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए, उसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में एक नरमी देखने को मिल रही है। और दूसरा, अब हम देख रहे हैं कि सोयाबीन में एक शॉर्ट कवरिंग मूव बनता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस अप होने के कारण, डिमांड बढ़ने के कारण और दूसरा फसलें खराब होने के कारण सरकार के जो उठाए गए कदमों हैं सोयाबीन के लिए या फिर अन्य तेल तिलहन के लिए, वो अब कहीं ना कहीं बेअसर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब फसल ही कम है और ख़राब हो गई है और होल्ड कर ली गई है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मालिक का ही हक रहेगा, वो भी सिर्फ किसान ही है और उन्होंने भी अपनी फसल को होल्ड कर लिया है, तो अब इस पर कहीं ना कहीं जो प्रयास हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं विफल होते हुए नज़र आ सकते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि थोड़े बहुत आ भी रहे हैं। हालांकि आज कल के दिन, सोमवार के दिन, जो सॉयल एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, सी है, उसने थोक कीमतों को कम करने का फैसला लिया है, 3 से 5 रुपये की कमी लाने का फैसला किया है, जिसकी वजह से खाद्य तेलों की कीमतों में हल्की फुल्की नरमी बनती हुई नज़र आ सकती है। दिवाली के दौरान त्योहारी सीजन में उपभोक्ता को राहत पहुंचाने के लिए सी ने ये फैसला लिया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि सोयाबीन की जो फसलें हैं वो भी काफ़ी कम है, जो कि किसानों ने अब होल्ड करनी शुरू कर दी है। जिन किसानों को नकदी की ज़्यादा ज़रूरत थी, जिनकी मजबूरी थी, सिर्फ उन्हीं किसानों ने अपनी सोयाबीन बेची है। जो सक्षम किसान हैं, जो होल्ड कर सकते हैं, उन्होंने अपनी सोयाबीन होल्ड कर ली है। और ज़्यादातर किसानों का यही कहना है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, इससे पहले अब अपनी सोयाबीन नहीं बेचने वाले, क्योंकि उनको जो जितना नुकसान उठाना था, अब वे उतना नुकसान उठा चुके हैं। उनका ये भी कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों की आय ही देखती है, सिर्फ उन्हीं की दाम कम करने के चक्कर में लगी रहती है। क्योंकि असल में बीच में जिनकी वजह से दाम बढ़ते हैं, वो होते हैं स्टॉकिस्ट, जो जमाखोरी करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। असलियत में दाम जो बढ़ते हैं, उनकी वजह से बढ़ते हैं, लेकिन सरकार जो भी फैसला लेती है, उसका असर उन पे ना होके किसानों पर पड़ जाता है। क्योंकि किसानों को बीज खरीद कर फसल उगानी पड़ती है, उस पर खाद का खर्चा, और अब पेट्रोल डीजल की भी कीमतें जिस हिसाब से लगातार बढ़ती जा रही हैं, किसानों को वो भी महंगाई झेलनी पड़ती है। तो किसान तो हर महंगाई झेल लेता है और हर महंगाई झेलने के बाद अपनी फसल उगा देता है, और कभी कभार क्या, ज़्यादातर ऐसा ही देखने को मिलता है कि किसानों की फसल पर मौसम की मार देखने को मिलती है, जैसे कि वर्तमान में सोयाबीन किसानों के साथ होता है और पिछले कुछ सालों से सोयाबीन किसानों के साथ ऐसा ही होता हुआ है। मौसम सोयाबीन किसानों के साथ एक खेल सा ही खेल रहा है, लगातार उनकी फसलें बर्बाद ही होती आ रही हैं। तो जो सरकार फैसला लेती है, उसकी वजह से किसानों को तो नुकसान हो जाता है, लेकिन उसके सरकार के फैसले के बावजूद जो जमाखोरी है, जो स्टॉकिस्ट हैं, उनको तब भी मुनाफा होता रहता है। किसान ये नहीं कह रहे कि कोई मुनाफा ना कमाए, किसान ये कह रहे हैं कि उनके जब कीमतों के दाम, उनकी फसलों के दाम जब कम हो जाते हैं, तो सरकार के फैसले का असर उपभोक्ताओं पर क्यों नहीं पड़ता, उपभोक्ताओं को क्यों तब भी महंगे दामों पर अपनी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। अगर सरकार का कोई फैसला आता है, तो उसका असर सिर्फ और सिर्फ किसानों पर ही क्यों होता है? अगर सरकार के फैसले का असर वाकई में दिखना चाहिए, तो उपभोक्ताओं पर दिखना चाहिए, क्योंकि एंड यूज़र उपभोक्ता है। अंत में जो इस्तेमाल चीज़ों का करता है, वो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर कोई जब ज़्यादा दाम में खरीदना पड़ रहा है, तो इसका फ़ायदा हुआ किसे? किसानों का एक सवाल सरकार से ये उठता है। और दूसरा ये कि जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका भी अहम योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है महंगाई दर को बढ़ाने का, जिसकी वजह से किसानों की जो लागत है, वो भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगर पेट्रोल डीजल की जो दाम है वो कम होए, तो लागत थोड़ी कम आएगी, आने ट्रांसपोर्टेशन में कीमतें कम होंगी, डीजल की कीमतें कम होती हैं, तो किसानों की भी लागत कहीं ना कहीं कम ही होगी। और दूसरा, सरकार को अब ऐसा मसौदा तैयार करना चाहिए, ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे सरकार आलू और प्याज का अपना बफर स्टॉक बनाती है, सरकार ने हाल ही में अपना प्याज का बफर स्टॉक बनाया, तो ऐसे ही सरकार तेल तिलहन की फसलों का भी अपना बफर स्टॉक बना सकती है। जब भी कोई कमी आती है और या फिर आयात करने की नौबत आती है, तब सरकार अपना वो बफर स्टॉक जारी कर सकती है, किसानों को बीज मुहैया करा सकती है, चाहे ठीक ठाक प्राइसेस पे कराए, लेकिन अगर वो चीज़
डोमेस्टिकली अगर घर के घर में ही मिल जाएगी तो ना आयात की नौबत आएगी और ना ही किसी का नुकसान होगा। तो ऐसे ही करके जो प्राइसेज हैं वो भी काबू में रहे जा सकते हैं और दूसरा आयात से भी बचा जा सकता है, जिसकी वजह से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा जा सकता है। क्योंकि अगर किसानों को ऐसे ही नुकसान उठाना पड़ता रहा सोयाबीन में, तो किसान अगली बार सोयाबीन उगाना ही छोड़ देगा, जिसकी वजह से जो भारत है आत्मनिर्भरता की ओर जो कदम उठा रहा है वो भी कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नज़र आएंगे। तो अगर किसानों को MSP नहीं मिलेगी, दाम अच्छा नहीं मिलेगा, तो किसान भला उसकी फसल क्यों ही उगाएगा। तो सरकार को भी इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है और अपने घरेलू स्तर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा इस पर विचार करने की और कदम उठाने की, कुछ ऐसे कदम उठाने की जिससे किसानों को भी फ़ायदा हो सके और एंड यूज़र को भी, और जो बीच में जो जमाखोर है, जो जमाखोरी करके तेज़ी लाते हैं, उन पर रोक लगाई जा सके, ऐसा मसौदा तैयार करने की आवश्यकता है।